कारा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार बिजनौर का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था एवं बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं को चेक कर संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। खलदौर में मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में करीब 16 मजदूर हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बिजनौर के मंडावर में गर्मी से निजात पाने के लिए दोस्तों के साथ नहाने गया, एक युवक गंगा में डूबा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद बरामद किया युवक का शव। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। मुरादाबाद में एक सिपाही की बेटी से मारपीट का मामला आया सामने। पीड़िता ने जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद पुलिस से की शिकायत। पीड़िता ने एक महिला किराएदार पर बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं की मदद से उसके घर पर कब्जा करने का लगाया आरोप। संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र के गांव सिसौना में दो दिन से लापता युवक का मिला शव। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। अमरोहा में शहर इमाम मौलाना डॉक्टर तारिक हसन का अलीगढ़ के एक अस्पताल में हुआ निधन। शहर इमाम को राष्ट्रपति द्वारा भी किया जा चुका सम्मानित। संभल में नहाने के दौरान करंट लगने से महिला की मौत। महिला की मौत से उसके बच्चों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। अमरोहा न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में एक भाजपा नेता को सुनाई एक साल की सजा। 70 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। संभल में धूनी जलाकर तपस्या कर रहे एक संत की मौत। गर्मी से राहत दिलाने, नशा मुक्ति और विश्व शांति के लिए तपस्या कर रहे थे संत। अमरोहा में मुरादाबाद से गाजियाबाद जा रही कोयले से लदी एक मालगाड़ी में लगी आग। दमकल की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। संभल में वन विभाग ने जंगल में बांधकर रखे गए 7 जंगली सुअर किए बरामद। वन विभाग ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात के विरुद्ध कराई रिपोर्ट दर्ज। अमरोहा नगर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले की रहने वाली एक मुस्लिम युवती शिफा ने अपनाया सनातन धर्म। शिफा ने अपने साथ काम करने वाले हिंदू दोस्त से आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से की शादी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता ने प्राधिकरण अधिकारियों के नाम पर वसूली करने के आरोप में कटघर थाने में कराया केस दर्ज। नूरपुर में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता व उसके दो बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। पत्नी गंभीर रूप से घायल। अफजलगढ़ के गांव दहलावाला में सुअर के शिकार के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। पीड़ित की तहरीर पर 7 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।